बचपन में एक लड़के के दो फादर थे और दोनों ही फादर उसको अलग अलग तरीके की सलाह देते थे। एक जो थे वो रिच फादर थे उसके, और एक जो थे उसके पुअर फादर थे, और दोनों के पैसों के मामले में देने जाने वाली एडवाइसेस बिल्कुल अलग थी। एक फादर कहता था कि पैसा ना होना सारी मुसीबतों की जड़ है, तो दूसरे फादर ये कहता कि पैसे की चाह रखना ही सारी मुसीबतों की जड़ है। एक फादर जहाँ उसको ये बोलता था कि जब वो कोई चीज़ नहीं खरीद पाता था, तो एक फादर उसको जहाँ ये बोलता था कि हम इसको कैसे खरीद सकते हैं ये सोचो, तो दूसरा फादर उसे डायरेक्ट मना कर देता था कि हम इसे नहीं खरीद सकते थे। एक फादर जो था वो उसे हमेशा ये सिखाता था कि रिस्क को मैनेज करना सीखो, बल्कि दूसरा फादर ये कहता था जब भी पैसे की बात हो तो हमेशा सेफ खेलो, रिस्क ना लो। और इसी कारण वो बच्चा हमेशा कन्फ्यूज रहता था और वो सोचता था कि वो किस फादर की एडवाइस को माने। फिर उसने वो डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की एडवाइस को फॉलो करेगा, ना कि पुअर डैड की। तो चलिए देखते हैं वो ऐसी कौन सी एडवाइसेस थी जो उसके रिच डैड ने उसको दी थी जिसके कारण वो बहुत अमीर बन पाया, और आप भी उस एडवाइस के कारण अमीर बन सकते हैं। तो जो फर्स्ट एडवाइस था कि ये था कि गरीब आदमी हमेशा अपनी पूरी लाइफ पैसे के लिए काम करता, बल्कि अमीर आदमी का पैसा उसके उनके लिए काम करता है। ये क्या है, पैसा जानते हैं कि हर किसी की जरूरत है, लेकिन गरीब आदमी इसे कमाने के लिए 9 to 5 की जॉब या हमेशा अपनी लाइफ टाइम भी जॉब ही करता रहता है या काम करता रहता है। जब भी वो काम करेगा तभी उसको पैसा मिलेगा, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। बल्कि अमीर आदमी ऐसा नहीं करता, अमीर आदमी एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करता है कि जिसपे वो कुछ सालों तक मेहनत करेगा, लेकिन वो जब सिस्टम बन जाएगा तो उसे वो हमेशा के लिए पैसे देने देगा। ये कुछ इसी तरीके से था कि बीज आप लगा देंगे तो उस पर मेहनत करेंगे तो कुछ सालों के बाद वो जब पेड़ बन जाएगा तो आपको धूप से भी बचाएगा और आपको फ्रूट्स भी देगा। कुछ इसी तरह का फार्मूला आप अपनाते हैं अमीर लोग। गरीब लोग यहाँ पर रेड रेस में फंस जाते हैं, जब तक वो काम करेंगे तब तक उन्हें पैसा मिलेगा, जिस दिन वो काम करना छोड़ देंगे उनको पैसा नहीं मिलेगा। बल्कि अमीर लोग इसके बदले एक जो सिस्टम उन्होंने बना दिया होता, फिर वो सिस्टम उन्हें लाइफ टाइम पैसे देता। वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टॉक्स बॉन्ड रियल इस्टेट जैसे चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से वो अच्छा खासा अर्न करते हैं और फिर उन्हीं पैसों से वो इन्जॉय करते हैं। जो दूसरा डिफरेंस है जो अमीर आदमियों को गरीब आदमियों से डिफरेंट करता है, वो होते हैं एसेट और लाइबिलिटी की समझ रखने वाला। गरीब आदमी एसेट और लाइबिलिटीज के डिफरेंस को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता जितने अच्छी तरीके से एक अमीर इंसान समझ लेता है। एसेट और लाइबिलिटीज में बहुत डिफरेंस होते हैं। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जो आपकी इनकम को इंक्रीज करता है, बल्कि लाइबिलिटीज वो चीज़ें होती हैं जो आपकी इनकम को डिक्रीज करता है, जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। इसीलिए अमीर आदमी हमेशा सबसे पहले एसेट को एक्वायर करने का सोचता है, वो सबसे पहले एसेट अपने पास रखने का सोचता है, बल्कि गरीब आदमी पहले लाइबिलिटीज को खरीदता है और लाइबिलिटीज को एक्वायर करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एसेट हमेशा आपकी इनकम को इंक्रीज करेगा, बल्कि लाइबिलिटीज आपकी इनकम को डिक्रीज करेगा। और इस चीज़ को अमीर आदमी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए वो हमेशा पहले एसेट खरीदते हैं ना कि लाइबिलिटीज। जो तीसरा डिफरेंस है जिसको अमीर और गरीब में अंतर होता है, वो होता है कि वो अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे ही गरीब आदमी पैसा कमाता है तुरंत उससे वो एक्सपेंस करता है, उसे खर्चा कर देता है, उससे लाइबिलिटीज खरीदने लगता है और उनका पूरा पैसा इन्हीं चीज़ों में चला जाता। बल्कि अमीर आदमी ऐसा नहीं करता, वो जैसे ही पैसा कमाता है वो उनसे एसेट्स खरीदा, वो एसेट उसकी उनको और रिटर्न में पैसे देते हैं और फिर उन पैसों से वो अपना खर्चा भी चलाता है और नए नए एसेट खरीदता है, जिसके कारण न केवल सिर्फ उनके एक्सपेंस पूरे होते हैं साथ में उनके एसेट्स की लिस्ट भी बढ़ती जाती है, जो धीरे धीरे उनको बहुत अमीर बना देता है। और उसी तरह वो एसेट्स में पैसा खर्चा करते हैं और वो अमीर बनते चले जाते हैं। हमेशा गरीब आदमी सबसे पहले लग्जरी चीज़ों को खरीदेगा जो उसकी लाइबिलिटीज होती हैं, लेकिन अमीर आदमी जो एसेट्स से आय वाले इनकम होते हैं उसके कारण वो खरीदते हैं लग्जरी, और हमेशा वो लग्जरी को लास्ट में खरीदते हैं ना कि पहले। पहले इनकम से वो कभी भी लग्जरी आइटम नहीं खरीदेंगे, बल्कि वो एसेट्स खरीदेंगे जो उनको पैसे दें। चौथा तरीका जो है कि अमीर आदमी रिस्क लेने से या कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरता। आज की दुनिया में सिर्फ वही आदमी जीत सकता है जो ना स्मार्ट नहीं बल्कि जो करेज हो, जिसके अंदर हिम्मत हो। लेकिन गरीब आदमी हमेशा जब भी पैसों के मामले में आता है तो बहुत ही सेफ खेलता है, और इतना सेफ खेलने की कोशिश करता है कि शायद वो अपना सारा पैसा लूज कर देता है। बल्कि अमीर आदमी अपनी नॉलेज, अपनी करेज के हिसाब से, फाइनेंशियल नॉलेज के हिसाब से वो रिस्क लेता है, और जिसके कारण वो अच्छा खासा इनकम कर लेता है। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी हमेशा ही अर्न करता है, जब भी आप रिस्क लेंगे आपके चांसेस होंगे हारने के, लेकिन जब भी अमीर आदमी हारते हैं तो अपनी नॉलेज
का यूज करते हैं कि कहाँ उनसे गलती हुई, कैसे गलती हुई, और उनसे वो इंस्पायर होते हैं और फिर से अच्छी तरीके से होते हैं। बल्कि गरीब आदमी उसी की जगह जैसे ही उनको लॉस होता है वो हार जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम कोशिश करने की कोशिश नहीं करते। और बल्कि अमीर आदमी हमेशा इन चीज़ों से हारते नहीं हैं और कोशिश करते रहते हैं, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करते रहते हैं, अपनी और करेजियस डिसीजन लेते हैं। ये उनको हमेशा गरीब आदमियों से अलग करता है। और पांचवी जो चीज़ है, जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि एसेट्स हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन जो आपको क्या पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स क्या है लाइफ का, वो आपका खुद का ब्रेन है, वो आपका खुद का ब्रेन है जो सबसे पावरफुल एसेट्स है। इसीलिए अमीर आदमी हमेशा अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करता है, वो नई नई बुक्स पढ़ता है, नए नए सेमिनार्स जाता है, नई नई चीज़ें सीखता है, जिसके कारण उसकी स्किल इंक्रीज हो सके, उसके नॉलेज इंक्रीज हो सके। क्योंकि कई बार सिर्फ आपको एक ऐसी स्किल की ज़रूरत होती है जो आपके अंदर आ जाए तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए वो स्किल्स पे ध्यान देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए सबसे ज़रूरी है नॉलेज, उसका सबसे इम्पोर्टेंट एसेट उसका ब्रेन है, इसीलिए वो इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करता है। अमीर इंसान, जैसा इस बुक में बताया गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सीखने की कोशिश करता है वो है मार्केटिंग और सेल्स, क्योंकि जब इंसान को ये दो स्किल्स आ जाती हैं तो पैसा बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आप अपनी नॉलेज पे और स्किल पे काम करना शुरू कीजिए। और अब देख लेते हैं कि समरी में हम लोगों ने कौन कौन से पाँच चीज़ें सीख पाया। गरीब आदमी हमेशा अपनी पूरी लाइफ पैसे के लिए काम करता है, बल्कि अमीर आदमी का पैसा उनके लिए पूरी लाइफ टाइम काम करता है। दूसरा, अमीर आदमी जानता है एसेट और लाइबिलिटीज क्या होती हैं और वो हमेशा एसेट्स खरीदने की कोशिश करता है पहले, ना कि लाइबिलिटीज। तीसरा, अमीर आदमी ये जानता है कि उसको पैसे कैसे मैनेज करना चाहिए और किस तरीके से वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को मैनेज करता है, बल्कि गरीब आदमी इन चीज़ों को नहीं समझता क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। इसीलिए हमेशा नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। अमीर आदमी हमेशा रिस्क लेने से डरता नहीं है, वो करेजियस और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरता। वो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी आप 21 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम में पैसे लगा दीजिए, ऐसे रिस्क की बात नहीं। वो हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क, वो हमेशा अपनी नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज का यूज करके एक रिस्क लेते हैं, बल्कि गरीब आदमी ऐसा रिस्क नहीं लेते, वो हमेशा पूरी लाइफ टाइम सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। और लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अमीर आदमी अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे पहले अपने लिए पैसे निकालते हैं, सेमिनार्स पे जाते हैं, स्किल सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं जिसके कारण उनकी नॉलेज हो। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो रिच डैड पुअर डैड बुक से बताई है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको 5 इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़नी है फाइनेंशियल नॉलेज पे, तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, मैं उसको भी लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं वो वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।